अरे 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 कहाँ जा रहे हो? अरे हटाओ मत, दिखा दो। हाँ ऑडियो जंगल अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आइए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सब खिल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। राज की साइकिल खड़ी है पीछे, ये साइकिल छत में रखी थी पर अभी फैज चलाने लग गए ना, तो आज इससे भी ये निकलवा ली है। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? अरे हटाओ मत, दिखा दो। हाँ हाँ, तो ये फराज़ मियाँ की हमारे साइकिल है। तो आज फराज ने बोला मम्मा मेरी भी साइकिल निकाल दो, आ जाओ इधर आ जाओ। और कैसा रहा आज का दिन फराज? अच्छा। स्कूल में क्या क्या हुआ था? स्कूल में तो अभी हिंदी का हिंदी लिख रहा था। हिंदी लिख रहा था? अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मुझे कुछ लेजी लेजी सा फील हो रहा है, काफ़ी लो फील हो रहा है, इसलिए आज मैं ब्लॉग भी नहीं कुछ शूट की हूँ और मन नहीं कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हरारत सी हो रही है मुझे। शाम से सुबह तो थोड़ा ठीक था, काम वाम करती रही हूँ, शाम से ना बहुत ही लेज़ी सा फील हो रहा है। और मम्मी पापा को, सलीम को, भैया भाभी सुरू सबको मिस कर रही हूँ। आज मम्मा का मेरे बर्थडे था, मतलब बर्थडे है 6th May, तो आज व्हाट्सएप पे भी मम्मा के लिए काफ़ी विशेष दी हैं सब ने। आप भी मेरी मम्मा के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनका साया हमेशा मेरे सर पे बना रहे। वो बहुत स्वीट हैं, बहुत नेक हैं, सबकी माँ खैर, सबकी माँ उसके लिए तो भाई बहुत ही मायने रखती है, और माँ से बड़ा दर्जा तो किसी का दुनिया में है ही नहीं खैर। तो लेकिन मेरी मम्मा बहुत स्वीट है, पहले थी स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा, वो उनको होना भी था, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होती तो हम ऐसे ना होते हैं। आज अगर कोई मेरी तारीफ़ करता है तो बस मुझे मम्मा पापा के ही ऊपर लगता है कि मम्मा ने ऐसा मुझे तराशा है कि मतलब मुझे आज भी वो टोक देती हैं, वो आज भी इसमें रहती हैं कि मतलब मुझे परफेक्ट बनाने में लगी रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर मम्मा ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छी मम्मा की तबीयत रही है और बहुत ही अच्छा मम्मा का सब रहा है। एक टाइम पे हमें लगता था कि हमारी ही मम्मा ऐसी क्यों हैं, सबकी मम्मा तो इतना ओपन माइंडेड हैं, छूट देती हैं। मम्मा ने कभी मुझे कुछ भी अलाउ नहीं किया है। एक टाइम पे वो सब चीज़ें मुझे ख़राब लगती थी कि बस मेरे लिए ही मम्मा की चीज़ें रहती हैं, मेरे लिए रूल्स रहते हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है जो मेरे साथ की लड़कियाँ थीं तो उनमें और मुझ में बहुत फ़र्क हो गया है, और मैं प्राउड करती हूँ कि मुझे मेरी मम्मा जैसी मम्मा मिली। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे पाऊँ। और वैसे आजकल के बच्चों में तो बहुत फ़र्क है, फ़ोन का ज़माना लग गया है ना उनको, तो इसीलिए मम्मा मुझ पर बहुत ध्यान देती थी, मुझे कभी उन्होंने छोड़ा नहीं अकेले। और मजबूरी में जब वो मौदहा जाया करती थी तो मजबूरी में छोड़ के जाती थी मुझे, तो भले मैं उनके बगैर रही हूँ लेकिन किसी के घर पे या ज़्यादा वक्त के लिए या ऐसे किसी आउटिंग के लिए मम्मा ने नहीं छोड़ा है। बहुत मेरी हिफाजत करी है, बहुत मेरा ख्याल रखा है, कभी सख्ती बरत के कभी प्यार से कम मम्मा स्ट्रिक्ट थी काफ़ी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा से कभी कोई मैं बात करूँ या शेयर करूँ। बहुत ही वैसा वाला मम्मा का मेरा रिलेशन था, लेकिन इंगेजमेंट के बाद से मम्मा मेरी एकदम फ्रेंड हो गई, क्यों उनके अलावा मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई कि मुझे समझने लगती थी, मुझे उससे चीज़ें पूछती थी। और इंगेजमेंट के बाद मेरी 3 साल के बाद शादी हुई है, वो 3 साल मेरे काफ़ी डिस्टर्बिंग रहे हैं, तो उसमें मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया है। जो मम्मा मुझे कहीं जाना नहीं देती थी और उनको कुछ बाहर की दुनिया पसंद नहीं थी, तो सिर्फ मेरे लिए कि मेरा थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो, मन बहले ये शादी वादी के चक्कर में, मतलब ये सारी चीज़ें जो सुनती रहती थी मैं घर में, टेंशन्स होती थी, उनसे दूर मम्मा ने मुझे पार्लर भी ज्वाइन कराया था। और उनको बोल के आई थी इसे आता सब है, बस मैं आपके साथ इसको थोड़ा सा भेज रही हूँ कि इसका थोड़ा टाइम कटेगा, दिन भर घर पर रहती है, क्योंकि मैंने प्राइवेट किया था, क्योंकि मैंने जब कॉलेज किया तो पापा का ट्रांसफ़र मथुरा से हो गया था गुजरात के लिए, तो फिर मुझे प्राइवेट करना पड़ा था अपना कॉलेज, BA मैंने प्राइवेट किया था, जिस वजह से मैं घर पे ही रहती थी।
तो मामा ने उसके लिए मुझे छोड़ा, लेकिन उनको दीदी को बोल के आई थी ना आप इस पे कुछ करेंगी ना ये करवाएगी बस ये, और ना ही ये कहीं ऑर्डर पे जाएगी, ये सिर्फ यहाँ पर आती है और इसे सब कुछ आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता भी था, तो दीदी बोली सर तुम्हें सब कुछ तो आता है फिर तुम बस थ्रेडिंग ही मैंने उनसे सीखी थी, बाकी अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत एक्सपर्ट थी। और सिर्फ मम्मा ने मुझे मेरे शौक़ के लिए मुझे वहाँ जाने दिया, वो भी मैंने नहीं बोला, उन्होंने सुना होना था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कभी कोई डिमांड करने की, तो मम्मा ने बस मुझे वहाँ जाने दिया। और लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, मम्मा कहती थी कि नहीं अल्लाह का शुक्र है कि कभी ज़रूरत ना पड़े तुम्हें कि तुम ये काम करो और अभी तुम आराम करो घर के काम करो बस वही बहुत है। और घर पे भी मम्मा ने मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, मेरा इंटरेस्ट ना झाड़ू पोछे घर ठीक करने डिसिप्लिन ठीक करने इन सब में ज़्यादा रहता था और कुकिंग में कम जाता था, किचन में मुझे लगता था कि कम जाना पड़े, मुझे बचती थी कोशिश करती थी, लेकिन तब भी जितना मैं अपने शौक़ से खाना बनाती थी तो बनाती थी, जो मुझे अच्छा लगता था शौक़ से बनाना वो तो मैं अपनी खुशी से बनाती थी, लेकिन रोज़ रोज़ रोटी बनाना या कुछ बस लेकिन मम्मा जब बोलती तब मैं करती थी। और फ्रेंड जब मैं घर के ऊपरी काम करती थी कुछ भी अपने शौक से, वो तो मेरा मतलब मैं खुद से करती थी और मेरे एग्ज़ाम भी होते थे ना तो मैं ऐसे टाइम निकाल के वो काम करती थी कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है, तो मम्मा बोलती थी कुकिंग पे ध्यान दो बेटा और इसी से दिल जीते जाते हैं इस पे ध्यान दो। और एक टाइम ये था कि मैं कोशिश करती थी लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती थी क्योंकि मम्मा स्ट्रिक्ट बहुत थी तो कुछ डर से भी हो जाती थी चीज़ें, तो अगर कुछ होती थी तो मम्मा ये बोलती थी कि इस लड़की का दिल ही नहीं है तभी नहीं इससे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, जाती है हीटर ख़राब हो जाता है, हीटर में उस टाइम पर खाना बना देते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है सब मेरे दिल की ही तारीफ़ करते हैं कि मैं बहुत दिल से खाना बनाती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ, मुझे बहुत शौक है खाना वाना बनाने का, अच्छे अच्छे डिशेज बनाने का और ख़ुद भी खाने का और खिलाने का, तो आप मम्मा काफ़ी खुश रहती हैं। और लेकिन अभी अभी मेरी जब बीच में तबीयत बिगड़ी है 2 साल उसके बाद से मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती हैं, मुझे बोलती हैं कि मैं ज़्यादा लोड ना लूँ, ज़्यादा मैं ऐसे ना करूँ तो अपना ख्याल रखूँ, तो फरीद जी और मम्मा तो मुझसे नहीं करवाना चाहते हैं कुछ भी खाने को लेके ज़्यादा वाला लेके, क्योंकि उनको पता है कि मैं थोड़ा थक जाती हूँ जब से मेरी तबीयत वापस से सही हुई है, तो बस वो फरीद जी और मम्मा मेरी इतनी केयर करते हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं तुम मत करो तुम मत करो और सब हो जाता है आजकल सब रेडीमेड हो जाता है, लेकिन नहीं जो खुशी अपने हाथों से करने में होती है ना वो बाहर से करके खाने में इतनी खुशी नहीं मिलती, बाहर तो खैर मिलता ही है। तो बस फिर काफ़ी होगी मम्मा की बातें और हैप्पी बर्थडे मम्मा। चलिए फिर मैं आज ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मेरा अभी थोड़ा मूड सही नहीं हो रहा है और अब काफ़ी रात भी हो रही है, मैं जा रही थी डिनर बनाने के लिए, बच्चों की पूड़ी की फरमाइश आई है तो जा रही हूँ आलू की सब्जी और पूड़ी बनाऊँगी बच्चों के लिए और बस वही खाएंगे। कल है संडे और परसों तो है मेरे बच्चों का बर्थडे, तो देखो कल शायद फैज की कुछ और ज़रूरत की चीज़ें लेने जाना है, तो बस फिर चलिए हम यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।